इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वन का जो पहला पार्ट है दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी कंसेप्ट, वाटर अपटेक, कंडक्शन, ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म एंड इट्स रेगुलेशन बाय एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, ये हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो यूनिट वन का ये पार्ट है जिसमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप ये टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी डोमिनेंट प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ठीक है, इन वाटर के रिलेशन में देखा जाए, हमें सभी को पता है कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए। वाटर बहुत ही इसेंशियल पार्ट है प्लांट्स के लिए। सो द डोमिनेंट प्रोसेस इन वाटर रिलेशन ऑफ द होल प्लांट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल, इट्स ट्रांसलोकेशन थ्रू द प्लांट एंड इट्स इवेंचुअल लॉस टू द सराउंडिंग एटमोस्फियर एज वाटर वेपर। तो इस पर्टिकुलर लाइन में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जैसे ट्रांसलोकेशन थ्रू द प्लांट, अब ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, वाटर का सॉयल के द्वारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उनका जो सराउंडिंग एटमोसफियर जो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है ये कैसे होता है। तो ये सब हम जब इस यूनिट का ये जो टॉपिक है कम्प्लीट करेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो अभी टॉपिक वाइज चलते हैं। इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड फ्री एनर्जी कंसेप्ट। सो द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड फ्री एनर्जी कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक, तो वाटर पोटेंशियल को डोनेट किया जाता है साई डब्ल्यू से। तो ये जो साई डब्ल्यू है यही वाटर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये फंडामेंटल है किसी भी वाटर मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है वाटर पोटेंशियल। अब फ्री एनर्जी कंसेप्ट इसमें कैसे आता है। ठीक, तो ये जो वाटर पोटेंशियल है ये डिटरमाइन किया जाता है दो तरीके से। पहला ये है सॉलिड पोटेंशियल जिसको साई एस से डोनेट किया जाता है, एंड दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल जिसको साई पी से डोनेट किया जाता है। अब कैसे ये फ्री एनर्जी कंसेप्ट को रिलेट करते हैं ये हम जान लेंगे। तो ये जो पहला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड फ्री एनर्जी कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये यूनिट के बारे में भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख लें, प्रेशर से पीए से इसको डोनेट किया जाता है एटीएम। ठीक, तो ये यूनिट हो गए इनके वाटर पोटेंशियल के। अब यहाँ पे जो पहला केस आता है, यहाँ पे बेसिकली हमें तीन ही केस पढ़ने हैं फ्री एनर्जी कंसेप्ट में वाटर पोटेंशियल से रिलेट करते हुए। तो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है, पहला केस ये आता है कि प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा। तो प्योर वाटर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो अगर वहाँ पे प्रेशर यानी कि साई पी भी जीरो है तो जो वाटर पोटेंशियल है इसको लिया जाता है जीरो। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर तो जाहिर सी बात है साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर जीरो होगा। ठीक, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन ना भी किया हो तो प्योर वाटर पूछ ले या लिख दे एट स्टैंडर्ड कंडीशन तो साई डब्ल्यू जीरो होगा। ये होता है पहला केस। ठीक, दूसरा केस आता है फ्री एनर्जी कंसेप्ट में, ये आता है कि अगर उसमें सॉल्यूट को ऐड किया जा रहा है यानी कि साई एस यानी कि सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो क्या होगा। सॉल्यूशन के पास जो फ्यूअर फ्री वाटर है ये होगा कम। ठीक, अगर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्री वाटर कम होगा। तो जब फ्री वाटर कम होगा तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो फ्री एनर्जी कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल जो है ये घटेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है तो जो फ्री वाटर है वो घट रहा है। तो जब साई डब्ल्यू घटेगा तो जो सॉल्यूशन है ये साई डब्ल्यू सभी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, और लास्ट कंक्लूजन ये है कि जो मैग्नीट्यूड जो होगा ये जो डिक्रीज का जो मैग्नीट्यूड है यही है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको कि साई एस से ये डिनोट किया गया। तो ये हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साई डब्ल्यू है ये बराबर हो जाता है किसके, साई एस के। और तीसरा केस आता है तब जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा यानी कि प्रेशर बढ़ाया जाएगा उस पर तो साई डब्ल्यू जो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज फ्री वाटर जो है साई डब्ल्यू ये क्या होगा, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ये बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो साई डब्ल्यू है ये हो जाएगा साई एस प्लस साई पी। ठीक,
तो यहाँ पे साई डब्ल्यू निगेटिव हो गया है और साई एस यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल भी घट रहा है, तो यहाँ पे साई डब्ल्यू और साई एस जो सेकंड केस है यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे साई डब्ल्यू जीरो होगा और यहाँ पे साई डब्ल्यू बराबर हो जाएगा साई एस प्लस साई पी। तो इससे फायदा ये होता है कि जो वाटर पोटेंशियल फ्री एनर्जी कंसेप्ट के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि हमें पता करना है कि वाटर कैसे मूव करेगा, कहाँ वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, तो ये हम आसानी से अगर हमें साई डब्ल्यू के बारे में नॉलेज है फ्री एनर्जी कंसेप्ट के बारे में तो हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर बस ये चीज याद रखनी है क्वेश्चन को करने के लिए, जो वाटर का मूवमेंट होता है हमेशा हाई टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। अब हाई टू लो वाटर पोटेंशियल हाई साई डब्ल्यू टू लो साई डब्ल्यू लो वाटर पोटेंशियल, अब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाई दैट इज लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, अगर लेस निगेटिव का तो जाहिर सी बात है ज्यादा उसकी वैल्यू होगी, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल ये मूव करता है। तो इससे यही फायदा है फ्री एनर्जी कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने से। बाकी इसमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप में जो एनसीईआरटी में और भी दिया हुआ है, अगर उसके रेफरेंस से हम बात करें तो एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे दिया हुआ है कि जो वाटर मेलन है इसमें जो परसेंटेज होता है ये दिया हुआ है, वाटर मेलन में दिया हुआ है 92%, हर्बेसियस प्लांट्स जो हो गए इनमें दिया हुआ है आपका 85 to 90%। तो ये परसेंटेज जो है आप देख रहे हैं कि प्लांट वाटर में कैसा रिलेशनशिप है, वुडी पार्ट की बात करें तो बहुत कम होता है। ठीक, अगर ये आपने एक और इम्पोर्टेंट और स्पेशल पॉइंट ये है कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसके बारे में ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपनी वेट के बराबर 5 घंटे के अंदर, अगर 5 घंटे के अंदर ये इसका जितना वेट होता है उतना वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब एनसीईआरटी में प्लांट वाटर रिलेशनशिप में दिए हुए हैं। बाकी फ्री एनर्जी कंसेप्ट केस 1 केस 2 केस 3 अगर आप समझ लिए तो फ्री एनर्जी कंसेप्ट के मदद से यानी कि वाटर पोटेंशियल की मदद से आप कैसे मूवमेंट होगा ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें ये हम पढ़ेंगे कि वाटर अपटेक और कंडक्शन कैसे होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन है, वेपर प्रेशर का जो रोल है, ठीक है, ये हेल्प करता है डिफरेंसेस इन डायरेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन लीव्स एंड एटमोसफियर। तो ये होता है वाटर अपटेक एंड कंडक्शन में। इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये है कि जो रोल है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जैसे कि पार्टिकुलरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशनल वाटर लॉस है इसको रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, एनाटॉमी ऑफ वाटर जैसे कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स, उसकी एनाटॉमी कैसी है, प्लांट्स कैसे उसको एक्सटेंडिंग कॉलम ऑफ वाटर टू द हाइट ऑफ टॉलेस्ट ट्री तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इन द सॉयल एंड हाउ वाटर इज टेकन अप बाई रूट्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ वाटर लॉस एट अदर एंड, तो कैसे बैलेंसिंग ये सब चलते रहता है, वाटर अपडेट कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है, ये सब हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, तो जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव जाइलम सेल्स है उसमें आता है लॉन्ग ट्रैकरी एलिमेंट्स जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमें पता है कि जो ट्रैकिट्स और वेसल हैं ये एलिमेंट्स हैं जो कि अपने शेप के द्वारा डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। ठीक, अब इनका जो ट्रैकिट और वेसल एलिमेंट्स हैं तो जो वेसल एलिमेंट्स होता है ये होता है सॉल्टर और ये कनेक्टेड होता है लॉन्ग ट्यूब्स के द्वारा जिसको वेसल कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैकिट की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है सेल इन द जाइलम ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स और ये सर्व करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। ये लॉन्गर होता है वेसल से, वेसल एलिमेंट से, और इसके वाल में नो परफोरेशन प्लेट्स आर प्रेजेंट, हियर नो परफोरेशन प्लेट्स इज प्रेजेंट एंड इट इज लॉन्गर देन अ वेसल एलिमेंट। तो ये जो हमने पढ़ा शुरू में, ठीक, तो जो एनाटोमी है वाटर कंडक्टिंग सिस्टम का प्लांट्स में वही डिसाइड करता है कि कैसे वो मेंटेन करेगा वाटर को, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री कैसे लेके जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट में सिंपल हमें ये याद रखना है, समझना है, जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है इसमें आता है डिफ्यूजन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आप डिफ्यूजन में भी दो तरह के आ गए, सिंपल और फैसिलिटेटेड। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में एक और आता है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक, इसी को साइक्लोसिस कहा जाता है। ये बस
यूकैरियोट्स में ही होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सप्लीमेंटेड होता है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होते हैं, ये दो तरीके हो गए, डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको साइक्लोसिस कहा जाता है। ये बस यूकैरियोट्स में होता है, इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं यही हेल्प करते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा आता है होता है, ठीक है। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज में आ गए आपका जाइलम और दूसरा आ गया आपका फ्लोएम। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो दो तरीके से होगा, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और जो फ्लोएम है ये कंडक्ट करता है फूड एंड मिनरल, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। और ये जो है जाइलम वाला ट्रांसपोर्ट ये यूनि डायरेक्शनल होता है, एंड दिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज मल्टी डायरेक्शनल। तो ये है वाटर अपटेक एंड कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस तक कैसे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। ये जो हमने पढ़ा कि एनाटोमी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिड का रोल क्या है, वेसल एलिमेंट्स का रोल क्या है, वेसल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ट्रैकिड कैसे होते हैं, तो बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि परफोरेशन प्लेट्स नहीं होता है ट्रैकिड में, वेसल एलिमेंट शॉर्टर होता है और जो ट्रैकिड होता है वेसल एलिमेंट से लॉन्गर होता है। तो यहाँ पे बस यही चीजें ध्यान रखनी है आपको। आगे जो ट्रांसपिरेशन दिया हुआ है इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो ट्रांसपिरेशन है ये बेसिकली इवोपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये है ट्रांसपिरेशन में, तो इसको डिफाइन किया जाता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल्दो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मे बी लॉस्ट थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग्स दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स जो कि स्मॉल ओपनिंग्स है ये इन द बार्क ऑफ यंग ट्विग्स एंड ब्रांचेज, यहाँ से भी थोड़े बहुत वाटर वेपर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर लॉस्ट होते हैं, ठीक। तो और जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है मोर देन 90% ये इस्केप्स होता है कहाँ से, लीव्स से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछिए कि जो मेजर प्रोपोर्शन है ये ट्रांसपिरेशन का कहाँ से इस्केप्स होता है, तो लीफ है। तो ट्रांसपिरेशन में लीफ का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो है इवोपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो यही है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक। तो ट्रांसपिरेशन में आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द एस्टोमेटल पोर्स, अगर एस्टोमेटल पोर के द्वारा जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको कहा जाएगा एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ये 90 से 95% ऑफ द वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो 5 से 10% है ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर पूछे कि एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से कितने परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस होते हैं, तो 90 से 95, बाकी जो 5 से 10% बच गया ये बस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। बात करते हैं जो क्यूटिकल है ये कंपोज होता है वैक्सेज एंड अदर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेज एंड इज जनरली इम्परमिएबल टू वाटर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो क्यूटिकल है इसमें वैक्सेज होते हैं और बाकी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस यानी कि वाटर हेटिंग, ठीक है, वाटर हेटिंग हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से जिसको डर लगे, ठीक है। तो ये इसलिए इसको इम्परमिएबल होता है किससे, वाटर के लिए, ठीक है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी जब वाटर वेपर इससे भी पास हो जाता है, वही जो 5 से 10% हुआ, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का टू लीव वाटर लॉस वेरीज कंसिडरेबली बिटवीन स्पीसीज। तो ये इट इज टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। अब क्यूटिकल की थिकनेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल बात ये याद रखनी है कि जो एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है ये सबसे ज्यादा होता है लिप्स के द्वारा, सबसे ज्यादा होता है, ठीक। अब क्यूटिकल की बात करें तो अगर थिकर क्यूटिकल होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स ग्रोइंग इन फुल सन और ड्राई हैबिटेट्स, वाइल क्यूटिकल्स आर जनरली थिनर ऑन द लिप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन शेडेड और मॉइस्ट हैबिटेट। तो अगर शेडेड और मॉइस्ट हैबिटेट होगा तो क्यूटिकल है ये जनरली थिनर होंगे। अगर थिकर कब होगा, अगर प्लांट फुल सन और ड्राई हैबिटेट डिजर्ट वगैरह में होगा तो थीकर होगा, बाकी थीनर होगा सेडेड और मॉइस्ट हैबिटेट होगा। तो ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है मोर सिग्निफिकेंट पार्टिकुलरली फॉर लीव्स विथ थीन क्यूटिकल। तो ये क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जैसे 5 से 10% हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कब होगा, जब थीकर लीव्स हो यानी कि थीन क्यूटिकल्स वाले लीव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन में बिकम मोर सिग्निफिकेंट पार्टिकुलरली फॉर लिप्स विद थिन क्यूटिकल्स अंडर ड्राई कंडीशन व्हेन एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज प्रिवेंटेड बाय क्लोजर ऑफ एस्टोमेटा। तो जाहिर सी बात है एस्टोमेटा का
का क्लोजर हो जाएगा, तब ये जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ये ज्यादा होगा। उसमें भी लिप्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें थिन क्यूटिकल हो, तो ये नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में बस इसके डिफिनेशन याद रखने हैं, ठीक। और ये कहाँ से मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है, ये लिप्स के द्वारा होता है, लेंटिसल्स के द्वारा भी थोड़े होते हैं स्मॉल अमाउंट। अब डिफ्यूजन जो होता है एस्टोमेटल पोर द्वारा, वो एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो गया, इससे 90 से 95% होता है लिप्स के द्वारा, ठीक है। और जो 5 से 10% बच गया ये क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन द्वारा होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सिग्निफिकेंट तब होगा जब लिप्स ऐसे होने चाहिए थिनर, वो भी थिनर क्यूटिकल्स वाले, उसमें भी ड्राई कंडीशन तब, और उसके साथ ही जो एस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है ये नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लोजर हो गया हो एस्टोमेटा का तब। तो ये कुछ कंडीशन है ट्रांसपिरेशन के, टाइप्स हो गए एस्टोमेटल और क्यूटिकुलर, और क्यूटिकुलर कब होगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ट्रांसपिरेशन को 2 स्टेज प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। अब ऐसा इसलिए, पहले स्टेज में आता है कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट सेल इनटू द सब एस्टोमेटल एयर स्पेस, तो ये पहला हो गया। एंड द सेकंड वन इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द सब एस्टोमेटल स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कॉमनली अज्यूम किया जाता है कि जो इवेपोरेशन होता है ये प्राइमरली एट द सर्फेस ऑफ दोज मेसोफिल सेल्स दैट बॉर्डर द सब एस्टोमेटल एयर स्पेसेस। हाउएवर सेवरल इन्वेस्टिगेटर्स हैव प्रपोज्ड अ मोर रिस्ट्रिक्टिव व्यू suggesting instead that most of the water evaporates from the inner surface of epidermal cells in the immediate vicinity of the stomata. तब ऐसा जब कहा गया कि सबसे ज्यादा एस्टोमेटल स्पेस के द्वारा एटमोस्फेयर में होता है, तो ऐसा बहुत सारे व्यूज आने लगे जिसमें बताया जाने लगा जो इनर सर्फेस है epidermal cell का वहां से ज्यादा होता है, जिसको कि पेरिस्टोमल इवेपोरेशन कहा जाता है। तो ये बहुत सारे रिपोर्ट जो आए उस पर ये बेस्ट है, ठीक, जो मेसोफिल सेल वाला है ये, तो ये रिपोर्ट में ऐसा आया। लेकिन इसके साथ ही जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है डिफ्यूजन का सब एस्टोमेटल कैविटीज में, इसने प्रिडिक्ट किया कि 50% ऑफ ऑल इवेपोरेशन ऑकर्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एस्टोमेटा। तो यहाँ से भी मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा भी ये बताया गया कि जो 75% ऑफ ऑल इवेपोरेशन है ये इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एस्टोमेटा में ऑकर होता है, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंस है पेरिस्टोमल इवेपोरेशन का वर्सेस इवेपोरेशन फ्रॉम मेसोफिल सरफेस, तो ये कंफ्यूजन बना रहा कि पेरिस्टोमल है कि मेसोफिल सरफेस है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया बाई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे ये कहा गया वेदर द इवेपोरेशन ऑकर्स प्रिंसिपली एट द मेसोफिल और एपिडर्मल सेल सरफेस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिमाइंडिंग अस दैट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर ऑफन नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दे मे अपीयर। तो ये इतने सीधे नहीं है जितना कि अपियर होते हैं। अब हमें ट्रांसपिरेशन, अब हमें लगा कि यार लीफ से ही ज्यादा होता है, ठीक है, फिर उसमें और ज्यादा स्टडी की गई, फिर हुआ कि यार जो पेरिस्टोमेटल इवेपोरेशन है जो मेसोफिल सेल है वहां से होता है, एपिडर्मल सेल से होता है। तो ये जितना सीधा हमें दिख रहा है उतना नहीं है, इसके लिए बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैथमेटिकल मॉडलिंग आया, ठीक है। तो वहां पे 75% बताया गया, ठीक। तो ये सब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कैसे होते हैं उनके बारे में है। तो यही कह रहा है, फाइनल कंक्लूजन यही है, ये जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और इसके साथ ही एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रांसपिरेशन है अगर ये पूछ ले ऑर्डर, तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन की बात करें तो मेसोफाइट्स, फिर आता है ट्रू जीरोफाइट्स एंड सकलेंट जीरोफाइट्स। तो ये ऑर्डर हो गया ट्रांसपिरेशन का। आगे बढ़ते हैं, जिसमें कवर करेंगे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये नेचुरली इन्फ्लुएंस होता है, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया, जो कि रेट ऑफ वाटर वेपर डिफ्यूजन बिटवीन सब एस्टोमेटल चेम्बर एंड द एम्बियंट एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये नया पॉइंट है, ठीक। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये हमें बताता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। इसलिए फॉलो किया गया कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये गवर्नड होता है लार्ज मेजर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एयर। तो टी ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन डिफरेंस बिटवीन एयर एंड लीफ, ठीक। सो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लीफ
माइनस इवेपोरेशन बाय एयर। तो ये है। अब इसके साथ ही जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन दिया हुआ है ये कैसे अफेक्ट होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है ये दो फैक्टर द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल में बात करते हैं, तो एक्सटर्नल में आता है आपका लाइट, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक टेम्परेचर की बात करें तो ये इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपीरेशन जो है ये दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फुल डे लाइट है तो स्टोमेटा क्लोज होगा, लेकिन अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन फुल डार्क है तो स्टोमेटा ओपन होगा। तो ये लाइट टेम्परेचर पे कैसे इसका वेरिएशन है, कैसे ये इन्फ्लुएंस होता है ट्रांसपीरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल की बात करें तो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक, विंड स्पीड के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो विंड स्पीड दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो विंड स्पीड है ये कैसे इफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को। तो ये डायरेक्ट होता है। ठीक, तो ये ग्राफ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो ये है रेट आपका, ये है विंड स्पीड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम होता है फिर घटने लगता है। तो अगर हाई स्पीड है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप टू हाई स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और उसके बाद से वेरी हाई स्पीड, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये घटने लगता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइट एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड विंड स्पीड में ये ध्यान रखना है कि अगर माने हाई स्पीड है अप टू हाई स्पीड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लेकिन वेरी हाई स्पीड हो जाएगा तो ये घट जाएगा। तो ये है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो ये है कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैसे बताता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन डिफरेंस इन द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन बाय लीफ माइनस इवेपोरेशन इन बाय एयर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एयर। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है वाई ट्रांसपीरेशन, यानी कि ये जो ट्रांसपीरेशन है ये क्यों जरूरी है। तो बहुत ही बेसिक चीज है कि ट्रांसपीरेशन इसलिए जरूरी है कि जो एसेंट ऑफ सैप है उसके लिए जरूरी है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है, और ये असिस्ट करता है कूलिंग ऑफ लीव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी आर्ग्यू किया गया है कि जो ट्रांसपीरेशन है ये एक नेसेसरी इविल है, ठीक है। तो ये ट्रांसपीरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो ट्रांसपीरेशन है ये मूवमेंट ऑफ जाइलम, जो जाइलम सैप है उसको स्पीड अप कर देता है। तो ये सीम्स होता है अनलाइकली दैट इज रीजन एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्स एलोन वुड कॉज अ स्लो एसेंट ऑफ जाइलम सैप इवन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो दिस इज हाउ अबाउट द एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपीरेशन इज रिक्वायर्ड एंड ट्रांसपीरेशन सर्व्स ओनली टू इंक्रीज द रेट एंड quantity of water moved and there is no evidence that the higher rates are beneficial। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिसमें बताया गया हो कि जो हायर रेट्स है ट्रांसपीरेशन का ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक और आर्ग्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के द्वारा, मूव लार्जली इन द जाइलम सैप, ट्रांसपीरेशन में बेनिफिट न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट ऑल्सो बेनिफिट द न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। That's why it is true that mineral in xylem sap will be carried along with a rapidly moving transpiration stream, but the rate limiting step in nutrient supply is more likely to be the rate at which the nutrients are absorbed by the roots and delivered to the xylem. So that's why transpiration is essential evil and necessary evil. So this is all about transpiration, and transpiration involves the evaporation of water. And that's why it can assume a significant role in cooling of leaves. That जो हमने शुरू में ही बताया कि ये जो cooling of leaves है ये बहुत ज़्यादा important है, transpiration होगा तभी leaves जो है cool होंगे, increase होगा nutrient absorption, ascent of sap में कैसे beneficial है transpiration, इसलिए जो transpiration है ये बहुत ही necessary evil है। अगला point है कि जो ascent of sap है
और ट्रांसपिरेशनल पूल है ये क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट द अक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। सो व्हाट एसेंट ऑफ सैप इज बेसिकली द स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट द अक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट बेसिकली मीन्स द अक्वायर्ड एंड सैप मीन्स द वाटर एंड मिनरल। सो द अक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इन द प्लांट द प्रोसेस ऑकर्स थ्रू जाइलम टिश्यू। दैट्स व्हाई एज वी ऑलरेडी नो द जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। सिंपल सी बात है, जब जाइलम टिश्यू के द्वारा होगा तो वाटर एंड मिनरल का ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब अपवार्ड होगा इसलिए इसको एसेंट ऑफ सैप कहा गया। वाटर जो भी एब्जॉर्ब होता है हेयर्स के द्वारा ये पासेज होता है। सबसे पहले रूट हेयर्स हुआ ये एब्जॉर्ब किए, ठीक है। ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। कॉर्टेक्स आया, फिर पासेज सेल आया, फिर आया पेरिसाइकल, और बाद में ये ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम में इंटर करता है। तो ये है इसका कैसे सीक्वेंस है। और ये आइदर एक्टिवली थ्रू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ग्रेडियंट और पैसिवली थ्रू ट्रांसपिरेशन पूल। तो ट्रांसपिरेशन पूल के द्वारा होगा और डीपीडी ग्रेडियंट के द्वारा होगा। तो ये है एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसपिरेशनल पूल। इसके बारे में ये जो वाटर को लिफ्टेड किया जाता है लिफ्ट में, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वाटर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस कॉलम इन द ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम बाय वर्च्यू ऑफ वन और मोर फोर्सेस लाइक रूट प्रेशर कोहेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशनल पूल एक्टिंग कंकरेंटली। इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यही जो कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनब्रोकन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट्स इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। ये है एग्जैक्ट डिफिनेशन एसेंट ऑफ सैप का। ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और अनब्रोकन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होना चाहिए अलॉन्ग विद डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट्स is called ascent of sap. So this is all about ascent of sap or transpirational pool. And now we will study about the mechanism of ascent of sap. So various theories are proposed for the mechanism of ascent of sap. Various scientists, thinkers have proposed different theories. The first theory is root pressure theory. Second one is vital theory relay. And the pump theory, Bose theory or pulsation theory. Physical force theory, next one is capillary force theory, imbibition theory, atmospheric pressure theory, transpirational pool and cohesion theory. So this is all about the mechanism of ascent of sap. ये जो भी mechanism है ascent of sap के, इनको हम बारी बारी से details में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं root pressure theory के बारे में। तो root pressure theory में ये root pressure theory दिया गया इसके द्वारा, पिछले के द्वारा। इन्होंने जो term है hydrostatic pressure, एंड स्टीफन हेल्स ने डिस्क्राइब किया ये जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और प्रेशर है एज रूट प्रेशर। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जो कि रूट प्रेशर थ्योरी में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक। अब ये देखिए ये थ्योरी क्या कहता है ये जानना जरूरी है, फिर हम ये जो भी साइंटिस्ट हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक। तो इस थ्योरी में हमें याद रखना है कि जो रूट प्रेशर है डेवलप होता है रूट में, ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड वाटर विच इज रिलेटेड टू ऑस्मोटिक फेनोमेनॉन इन द प्लांट सेल्स एंड हेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो अफेक्ट एसेंट ऑफ सैप। तो ये सिंपल बात है, ठीक। तो ये कैसे होता है कि जो रूट प्रेशर डेवलप होता है रूट में, जैसे कि जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो रूट प्रेशर डेवलप होता है ये रिलेट करता है ऑस्मोटिक फेनोमेनॉन जो प्लांट सेल में होता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो एसेंट ऑफ सैप को भी अफेक्ट करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप में ये जो पहली थ्योरी आई इसने क्या किया कि जो ऑस्मोसिस था उससे कोरिलेट करके ये इन्होंने थ्योरी बनाई। और इसमें ये इन्होंने कहा कि जो वाटर मतलब एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा, जो रूट प्रेशर डेवलप होता है रूट में जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन से होता है, तो उसी से जो प्रेशर क्रिएट होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑस्मोसिस और जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है रूट प्रेशर है इन सबको कोरिलेट करके ये थ्योरी दिया, ठीक। तो इस थ्योरी में जो रूट प्रेशर डेवलप हुआ यही सफिशियंट है एसेंट ऑफ सैप यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स है इसको करने के लिए। तो ये थ्योरी इसलिए डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जो स्मॉल डिस्टेंस तक भी हो लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हो।
अब ऐसा नहीं कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं हो रहा है। तो प्लांट्स में पता है ना कि सब तो स्मॉल है नहीं, कुछ लंबे लंबे भी प्लांट्स हैं। तो इसलिए ये जो एसेंट ऑफ सैप में जो रूट प्रेशर थ्योरी थी ये डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि जैसे स्मॉल हॉप्स हो गए, श्रॉप्स हो गए, इन्हीं सब तक ये लागू हो पाया, इन्हीं पे ये थ्योरी अप्लाई हो पाई। और ये जो टॉल प्लांट्स थे इनके बारे में इस थ्योरी से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अबाउट द एसेंट ऑफ सैप इन टॉल प्लांट्स, दैट्स व्हाई दिस रूट प्रेशर थ्योरी इज डिस्कार्डेड। एंड द नेक्स्ट थ्योरी इज वाइटल थ्योरी एंड द बोस थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी। ये बोस थ्योरी इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर जगदीश चंद्र बोस ने 1923 में इसको दिया था, ठीक है। तो इन्होंने पल्सेटरी एक्टिविटी इन इनर कॉर्टिकल सेल ऑफ डेस्मोडियम स्पीसीज आउटसाइड द एंडोडर्मिस। तो इन पे अगर आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा तो इन पे एक स्टोरी भी दी हुई थी बुक में, हिंदी के बुक में, जिसमें इन्होंने ये डिस्कस किया था। मतलब बचपन में इनको लगता था कि प्लांट्स भी वो जी होते हैं, वो भी सोते हैं, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने पल्सेटरी एक्टिविटी प्लांट्स में ये सब, इन्होंने इन्हें लगा कि जो प्लांट्स हैं उनको भी चोट लगता है तो उनको परेशान ना करें। ऐसे जैसे कुछ था, वो खेल रहे थे, पेड़ पे जाके बॉल अटक गया, तो फिर उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो पूछने पर उन्होंने यही कहा कि प्लांट्स अभी सो रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये उनको बचपन से ही लगाव था, तो आगे जाके ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। और उन्होंने पल्सेटरी एक्टिविटी इनर कॉर्टिकल सेल ऑफ डेस्मोडियम स्पीसीज आउट द साइड द एंडोडर्मिस, इनमें इन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द आउटसाइड एंड पंप द सेम इन टू द अपर इनर मोस्ट सेल। तो ये इन्होंने कहा कि जो लिविंग सेल है ये वाटर जो है आउटसाइड से एब्जॉर्ब कर लिए, उसी को पंप कर देते हैं अपर, यानी कि ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं इनर मोस्ट सेल में, वहां से ये उसको पास कर देते हैं, यानी कि इनमें पंप होता होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो अल्टरनेट कंट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल, अब इन्होंने पंप की जगह ये बताया कि जो अल्टरनेट कंट्रेक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सेल है, ठीक, इसी से जो वाटर है ये पंप हो जाते हैं फ्रॉम सेल टू सेल इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन्होंने अल्टरनेट कंट्रेक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सेल को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने कहा कि उसी वजह से पंपिंग हो जाता है। तो इन्होंने सिंपल सी थ्योरी दी, वो ये था कि जो लिविंग सेल है वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, यानी कि ये आउटसाइड हो गया, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया लिविंग सेल ने, ठीक है, और इसको इन्होंने पंप के थ्रू अपर पार्ट्स में पहुंचा दिया। अब पंप में इन्होंने ये बताया कि जो अल्टरनेट कंट्रेक्शन और एक्सपेंशन है यही क्रिएट करता है पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी और पल्सेशन थ्योरी, जो कि बोस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये सभी प्लांट्स में पल्सेटरी एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व की गई, इसलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया। तो पहली थ्योरी डिस्कार्ड हुई क्योंकि टॉल प्लांट्स पे लागू नहीं हुई, और ये थ्योरी डिस्कार्ड इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने पल्सेटरी एक्टिविटी को बेस बनाया था और ये जो बेस था पल्सेटरी एक्टिविटी सभी प्लांट्स में ऑब्जर्व नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल फोर्स थ्योरी और कैपिलरी फोर्स थ्योरी। इसमें बोएम जो थे 1809 में इन्होंने बताया कि जो ल्यूमेन ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्स इन प्लांट्स। ये तो थोड़ा सही था कि जो जाइलम वेसल ट्रैकिड्स, हमने ये शुरू में भी पढ़ा था कि ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो इस थ्योरी में ये था कि जो लॉ ऑफ कैपिलरी फोर्स है ये हाइट टू व्हिच वाटर राइज इन द जाइलम स्ट्रैंड मेनली डिपेंड्स ऑन डायमीटर। तो इन्होंने बताया कि जो डायमीटर है ल्यूमेन ऑफ वेसल का उस पर डिपेंड करता है, और ये कब, इन्होंने कैपिलरी फोर्स का सहारा लिया। सिंपल यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट याद रखना है, कैपिलरी फोर्स को डेवलप करने की इन्होंने बात की फ्री और ओपन मेनिस्कस में एट वन एंड इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। तो प्लांट वेसल्स और ट्रैकिड्स में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया। और जो वुडी प्लांट्स है वेसल्स विद लार्ज डायमीटर, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वाटर इन द प्लांट्स विल राइज ओनली अप टू फ्यू सेंटीमीटर, बट दिस इज नॉट द केस, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज आल्सो डिस्कार्डेड। ये थ्योरी भी नहीं लागू हो पाई क्योंकि वुडी प्लांट्स थे उनमें वेसल था लार्जर डायमीटर, और यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि जो कैपिलरी फोर्स को डेवलप किया जाता है ओपन मेनिस्कस में एट वन एंड इज रिक्वायर्ड, एक इंड टू थ्री और ओपन होना चाहिए, लेकिन ये सभी प्लांट्स वेसल और ट्रैकिड में नहीं पॉसिबल था। तो ये जो कैपिलरी फोर्स थ्योरी था इनका, ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर आया आपका ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी और कोहेसन टेंशन थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी तक, ठीक है। तो ये जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स इज नोन एज द कोहेसन थ्योरी। ये थ्योरी डिपेंड करती है ऑन देयर बीइंग ए कंटिन्यूअस, जो हमने शुरू में ही बात की, एसेंट ऑफ सैप का मतलब यही होना चाहिए, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड, ठीक है, यानी कि कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉलम ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ द रूट थ्रू द स्टेम एंड टू द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स, तो ये होना चाहिए।
और ये जनरली क्रेडिट किया जाता है एच एच डिक्सन हु गेव द फर्स्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इट इन 1940। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें जो मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी और कोहेसन टेंशन थ्योरी का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरी के द्वारा ये बताया गया कि जो ड्राइविंग फोर्स है फॉर वाटर मूवमेंट इन द जाइलम इज प्रोवाइडेड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स एंड द टेंशन और निगेटिव प्रेशर दैट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक जो लीव के द्वारा होता है, यानी कि सिंपल ये कहिए कि ट्रांसपिरेशन को इन्होंने बेस बनाया, ठीक है। एंड द निगेटिव प्रेशर जो भी रिजल्ट हुआ उसकी वजह से, तो वाटर जो है कवर द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स एज अ थिन फिल्म एडहरिंग टू द सेलुलर्स, जो कि कोहेसन एडहेशन थ्योरी आई, एंड अदर हाइड्रोफिलिक सर्फेसेस। एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम दिस फिल्म द एयर लिक्विड इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्रीट्स इनटू द स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड द एंगुलर जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, एंड दिस क्रिएट्स वेरी स्मॉल कर्व सर्फेसेस और माइक्रोस्कोपिक मेनिस्की। तो एज द रेडियाई ऑफ दिस मेनिस्की प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, तो जैसे जैसे इनका रेडियाई जो है वो डिक्रीज करते गया, सर्फेस टेंशन जो एयर वाटर इंटरफेस पे जो हमने बात की, ये क्या हुआ इंक्रीजिंगली निगेटिव प्रेशर बनता गया इनमें, जिससे क्या हुआ कि जो वाटर है इसको ड्रॉ किया मोर लिक्विड वाटर टुवार्ड द सर्फेस, एंड बिकॉज द वाटर कॉलम इज कॉन्टिन्यूअस दिस निगेटिव प्रेशर और टेंशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉलम ऑल द वे टू द सॉयल, एज अ रिजल्ट वाटर इज लिटरली पुल्ड अप थ्रू द प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द सर्फेस ऑफ मेसोफिल सेल इन द लीफ। तो शुरू में हमने इसमें बात की कि इस थ्योरी के अंदर होता क्या है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट था कि इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द लीफ और निगेटिव जो कहते हैं प्रेशर और टेंशन रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है कि जो वाटर है ये कवर करता है मेसोफिल सेल एज ए थिन फिल्म, ठीक, एडिंग टू सेलुलोज, और जो कोहेसिव एडहेशन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक, तो वाटर क्या करता है जैसे जैसे इवेपोरेट होता है इस फिल्म के द्वारा, इस फिल्म से, ठीक है, तो जो एयर लिक्विड इंटरफेस है ये क्या करता है रिट्रीट हो जाता है स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एंड एडजेसेंट जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो इससे क्या होता है कि वेरी स्मॉल कर्व्ड सरफेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेनिस्की क्रिएट होता है। अब कैसे ये रेस्पॉन्सिबल है, तो इससे क्या होगा कि जो रेडियाई है मेनिस्की का धीरे धीरे घटेगा, तो जैसे जैसे घटेगा टेंशन वाटर एयर इंटरफेस पे बढ़ते जाएगा और इससे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। अब हमें यही तो चाहिए था निगेटिव प्रेशर, तो जैसे ही निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो जो वाटर है लिक्विड वाटर में ये उसके सरफेस की तरफ ड्रॉ हो जाएगा, उसकी तरफ आ जाएगा, और जो वाटर कॉलम है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी चाहिए था कंटिन्यूअस और निगेटिव प्रेशर और टेंशन, ये ट्रांसमिट हो गया और जो कॉलम है उसके वे से लेके सॉयल तक जो वाटर है पुल्ड अप हुआ थ्रू द प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स इन द लीफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका मैकेनिज्म है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको सेल वाल दिख रहा है, तो यही जो इंटरसेलुलर स्पेस हुआ तो यहाँ पे होता है टेंशन का क्रिएशन, ठीक है। तो ये जो टेंशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे सीधे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, सेल वाल हैं, ये जो दिख रहा है आपको जो निगेटिव प्रेशर वाटर कॉलम में क्रिएट होता है, जो इवेपोरेशन इनटू लीफ स्पेसेस ये कॉज करता है वाटर एयर इंटरफेस, ये जो डैश्ड लाइन दिख रही है यही है वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है रिट्रीट इन द स्पेसेस, तो इसी स्पेस में आता है द जंक्शन ऑफ लीफ मेसोफिल सेल। तो जैसे जैसे वाटर रिट्रीट होता है जो रिजल्टिंग सरफेस टेंशन है वाटर को एडजेसेंट सेल से, ये जो एडजेसेंट सेल है इससे पुल करता है, तो वाटर इसमें आने लगेगा, ठीक है। और ये जो वाटर कॉलम है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वाटर कॉलम इज कंटिन्यूअस। तो इसी में जब वाटर कॉलम कंटिन्यूअस है तो जो टेंशन ट्रांसमिटेड होता है कॉलम के थ्रू ये अल्टीमेटली जो रूट्स हैं एंड सॉयल वाटर को पहुंचा देता है वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वाटर है कैसे पुल होता है प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल, ये इसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए जो कोहेसन थ्योरी था इससे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुए। पहला ये कि जो जाइलम सैप है आर रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट अंडर टेंशन, इसमें ये कह रहा है कि इज द जाइलम सैप ऑफ रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स अंडर टेंशन श्योरली। तो यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन रेज हुए, हमें पता है कि टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ वेरी टॉल वाटर कॉलम्स मेंटेन्ड। अब ये भी बात है कि क्या है जो इंटीग्रिटी है कि जो हम ड्रॉबैक अभी तक देख रहे थे टॉल वाटर प्लांट्स ये मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं।
कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया, तो दिस क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर थ्योरी। अभी तक मतलब यही है कि इस जो क्वेश्चन है, जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पे है कि किसी भी एसेंट ऑफ सैप जो थ्योरी है उसको चेक किया जाता है, तो इसको लेकर अभी भी कोई मतलब ये कंट्राडिक्शन नहीं आया कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसलिए अभी तक ये, अब मान लीजिए किसी चीज को आप गलत नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही बात है, अभी तक इस पे कोई सवाल नहीं उठे हैं यानी कि ये थ्योरी सही है। ठीक, तो इसलिए ये कह रहा है कि आंसर टू दिस क्वेश्चन प्रोवाइड सब्सटेंशियल इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर द थ्योरी। तो ये टेंशन क्रिएट होना, हाई वाटर कॉलम्स तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज व्हेन रूट प्रेशर इज एक्टिव। ठीक, प्रेशर इन द जाइलम्स आर रेयरली पॉजिटिव। तो प्रेशर जो है जाइलम में ये रेयरली ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही मतलब एक्सेप्शन वाले केस में ही। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, तो जो सेवरल लाइंस ऑफ एविडेंस जो थे, अब यही बात है, इसमें आर्गुमेंट दिया हुआ है कि कैसे ये जो थ्योरी है इसको जो भी एविडेंस थे उस कैसे सपोर्ट किए। तो पहली बात तो ये कि जो जाइलम है ऑफ रैपिडली ट्रांसमिटिंग प्लांट इज सीवियर, इट इज समटाइम्स पॉसिबल टू हियर द साउंड ऑफ एयर बीइंग ड्रॉन रैपिडली इन द वाउंड। ठीक है, इफ सेवर्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ ए डाई सोल्यूशन द डाई विल बी वेरी रैपिडली टेकन अप इन द ट्रैकिंग एलिमेंट्स इन द इमीडिएट विसिनिटी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आप देखेंगे तो ऐसा होगा। अब दूसरा एविडेंस ये है कि सेंसिटिव मेजरिंग डिवाइसेस कॉल्ड डेंडोग्राफ्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाता है टू मेजर स्मॉल चेंजेस इन डायमीटर ऑफ वुडी स्टेम्स। और जब जो डायमीटर है ये डिक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपिरेशन, जो हमने पढ़ा ना वहाँ पे डायमीटर का डिक्रीज होना, रेडियाई डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। ठीक है, तो दिस विल हैपन बिकॉज द स्टेम इज स्लाइटली इलास्टिक एंड द टेंशन इन वाटर कॉलम पुश द ट्रैकरी वॉल इनवर्ड। तो ये जो टेंशन है ये अंदर की तरफ खींचता है, इसलिए जो रेडियाई है प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा ऊपर ही थोड़ी देर पहले। ठीक, तो इवनिंग में क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, डिक्लाइंस हो जाता है, तो टेंशन इज रिलीव्ड एंड द स्टेम डायमीटर रिकवर्स, और स्टेम ऑफ भाई पुराने अपने फॉर्म में आ जाता है। ठीक, तो जो श्रिंकेज है ऑकर्स फर्स्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्री क्लोजेस्ट टू द ट्रांसपायरिंग लीव्स व्हेन ट्रांसपिरेशन बिगिंस इन द मॉर्निंग, ओनली लेटर डज इट शो अप इन द लोअर पार्ट, तब जाके ये लोअर पार्ट में भी शो करता है। ठीक है, तो ये है जो भी एविडेंसेस थे कैसे सपोर्ट किए। तो जो भी ऑब्जर्वेशन थे ये कंफर्म किए, एक्सपेरिमेंट इन विच अ लोकलाइज्ड पल्स ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द जाइलम एंड द फ्लो ऑफ हीट अवे फ्रॉम दैट पॉइंट इज मॉनिटर्ड एंड द फ्लो रेट्स इंडिकेट दैट टेंशन आर ग्रेटर नियर द टॉप ऑफ द ट्री। ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट्स हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट रैपिडली ट्रांसपायरिंग शूट्स आर एबल टू पुल अ कॉलम ऑफ मर्करी टू हाइट्स ग्रेटर देन कैन बी अकाउंटेड फॉर बाई एटमोस्फेरिक प्रेशर अलोन। तो ये सब थ्योरी को कैसे एविडेंसेस सपोर्ट किए। अब सिंपल बात है, जो वहाँ पे लिखा गया, जो सबसे पहले लाइन लिखी गई थी इनडायरेक्ट सपोर्ट, उसका मतलब यही है किसी चीज को आप अपोज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये मैकेनिज्म थे कोहेसन एडिशन थ्योरी से रिलेटेड, कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको सपोर्ट किया, एविडेंसेज ने सपोर्ट किया। तो ये था इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो फाइनली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वाटर पोटेंशियल नियर द बॉटम ऑफ द ट्री आर लेस निगेटिव, नियर द बॉटम ऑफ द ट्री आर लेस निगेटिव देन वाटर पोटेंशियल हायर इन द क्रॉन, यानी कि ऊपर की तरफ हायर है और बॉटम में लो है। तो ये प्रेशर ड्रॉप बिटवीन द बॉटम एंड टॉप ऑफ द क्रॉन इज कंसिस्टेंट एंड दैट्स वाई कंटिन्यूअस चेन इज क्रिएटेड, वाटर कॉलम इज क्रिएटेड एंड टेंशन रिजल्टेड originating at the top of the tree and the weight of evidence clearly support the hypothesis that the xylem water column is literally pulled up the tree in response to transpiration. So basically transpiration बहुत ही major role play करता है ये जितने भी ascent of sap हैं इन सबको conduct करने में। ठीक है, अब आया है transpiration cohesion hypothesis, ये क्या था। तो यहाँ पे water molecule, ये जो hypothesis हमने पढ़ा शुरू में, तो अब ये जो हाइपोथेसिस है इसमें क्या है, जो कोहेसन एडेशन थ्योरी जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा है। ठीक, तो जो इसमें दिया हुआ है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इनमें स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको कहते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। ठीक, एंड दिस फोर्स इज वेरी हाई अप टू 350 atm, ये फोर्स बहुत ही हाई होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर कॉलम नेवर ब्रेक्स, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अनइंटरप्टेड वाटर कॉलम कैसे होता है। तो आगे पहले भी हमने लॉजिक पढ़ा, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या कहता है,
जो वाटर कॉलम है ये कभी ब्रेक नहीं होता है, रिमेंस अनब्रेकेबल है, क्योंकि ये जो कोहेसिव फोर्स है ये बहुत ही हाई होता है, इसलिए जो ये अनब्रेकेबल रहता है, अनइंटरप्टेड रहता है, और ये कभी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो इवन इसको डिस्टरबेंस भी किया जाए, इसको डिस्टर्ब भी किया जाए, तब भी ये अनब्रेकेबल रहता है, तो इसलिए ये थ्योरी इतनी एक्सेप्टेड है, ट्रांसपिरेशन कोहेसन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि सिमिलरली देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्स, ये बहुत हाई है। साथ ही ऐसे ही जो वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये हो गया, एंड वॉल ऑफ जाइलम, वॉल ऑफ जाइलम और वाटर वेसल के बीच भी बहुत ही हाई होता है, जिसको कहा जाता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडेसिव दो फोर्सेज होते हैं, ठीक है। कोहेसिव म्यूचुअल जो फोर्सेज होता है उससे होता है, तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है, और एडेसिव दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस एडेशन ऑफ फेनोमेनॉन से जो वाटर कॉलम है ये ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज में हेल्ड होता है। तो ये कोहेसिव एडेसिव जो थ्योरी है ये कैसे हेल्ड रखती है वाटर कॉलम को ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज में, ये जानना भी जरूरी है। तो इसी कोहेशन की वजह से जो वाटर कॉलम है इन जाइलम टिश्यू रिमेन इंटैक्ट एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप एंड मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग वेरी मच ऑन दिस, ठीक। तो ये जो कोहेशन है इसमें इसी से जो है रिमेन इंटैक्ट होता है और कंटिन्यूअस होता है, अनइंटरप्टेड होता है। तो ये सब है थ्योरी हाइपोथेसिस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई द कोहेसन हाइपोथेसिस इज जनरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द राइज ऑफ सैप इन प्लांट्स बाई मीन्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो सिंपली हियर वी हैव टू कंक्लूड दैट द कोहेसिव फोर्सेज आर वेरी हाई, दैट इज अप टू 350 atm। बिकॉज ऑफ दिस द वाटर कॉलम नेवर ब्रेक्स एंड रिमेन्स अनब्रेकेबल इवन वेन सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम विच इज नोन एज एडेसिव फोर्स। दैट्स वाई आर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एडेसिव बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड द एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम, ठीक। तो ड्यू टू दिस फेनोमेनन ऑफ एडेशन वाटर कॉलम्स रिमेन्स हेल्ड इन द ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज, एंड ड्यू टू एडेशन वाटर कॉलम द जाइलम टिश्यू रिमेन इंटैक्ट एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम रूट टू टिप टू शूट टिप एंड मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। दैट्स व्हाई दिस कोहेशन हाइपोथेसिस, ट्रांसपिरेशन कोहेशन हाइपोथेसिस इज जनरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द राइज ऑफ सैप, दैट इज एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी द कोहेशन ट्रांसन थ्योरी एक्सप्लेन्स वाटर मूवमेंट। हियर प्लांट्स पैसिवली ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू द जाइलम। कोहेशन इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू बॉन्ड विथ ईच अदर, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एडेशन इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू बॉन्ड विथ अदर सब्सटेंसेस, ठीक। तो दिस कोहेशन एंड एडेशन क्रिएट टेंसर विद द, दिस इज द कोहेशन एंड दिस इज द एडेशन, एंड दिस क्रिएट्स टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। एंड हियर गिवन दैट द कोहेशन ऑफ वाटर एक्सप्लेन्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ द सैप कॉलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कोहेशन ऑफ वाटर है ये बस ये एक्सप्लेन करता है कि वाट सैप कॉलम में कैसे मेंटेनेंस होता है, जो वाटर का जो मेंटेनेंस है ऑफ द सैप कॉलम। एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज अकाउंटेड बाई फॉर अ मैकेनिज्म कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड दिस इन्वॉल्व्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन। एंड दिस ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट्स अ निगेटिव प्रेशर विच इज वेरी इसेंशियल फॉर एसेंट ऑफ सैप इन द जाइलम वेसल कॉल्ड टेंशन विच इज ट्रांसमिटेड डाउन टू रूट्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस। एंड दिस टेंशन कॉजेज अ डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल एंड हेंस इन अपटेक ऑफ वाटर बाई द रूट्स, एंड द वैल्यू ऑफ डेवलप इज द फोर्स इज 20 to 200 atm। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू कॉज एसेंट ऑफ सैप इवन इन द टॉलेस्ट ट्री प्लांट्स। तो ये जो हाई फोर्स है 20 to 200 atm का, ये इंडिकेट करता है कि ये जो एसेंट ऑफ सैप है इवन इन टॉलेस्ट प्लांट्स में भी ये पॉसिबल है। इसलिए ये थ्योरी अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड है एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इन द ट्री है, इसी को ट्रांसपिरेशन कोहेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द
ट्रांसमिशन क्वेश्चन हाइपोथेसिस, हियर वी कैन समराइज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर मूव्स डाउन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आउट ऑफ प्लांट एंड दिस क्रिएट्स निगेटिव प्रेशर एट द बॉटम एंड दिस वाटर लॉस्ट बाई ट्रांसपीरेशन हियर इज रिप्लेस्ड बाई वाटर फ्रॉम जाइलम एंड द थर्ड स्टेप वेसल वाटर कॉलम इज मेंटेन्ड बाई वी हैव डिस्कस्ड इट इन वेरी डीप दैट इज वेसल वाटर कॉलम इज हाउ मेंटेन्ड बाई कोहेशन एंड एडेशन. तो दिस इज द डायग्राम इट शोइंग कोहेशन एडेशन. ठीक, तो कोहेशन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर कॉलम एंड द वाटर इज पुल्ड फ्रॉम रूट कॉर्टेक्स इन टू द जाइलम सेल हियर यू कैन सी एंड द लास्ट स्टेप इज वाटर इज पुल्ड फ्रॉम सॉइल इन टू द रूट्स दैट्स कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. And the factor responsible for ascent of xylem sap are the first one is soil water, high temperature, atmospheric pressure, wind velocity, low atmospheric humidity influence the ascent of sap. So basically here we have already learnt in transpiration. तो जो factor transpiration को जैसे affect करते हैं वैसे ही affect करेंगे ascent of sap को, क्योंकि transpiration ही responsible है किसके लिए, ascent of sap के लिए. तो temperature हाई होगा तो एसेंट ऑफ सैप भी हाई होगा. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्या ट्रांसपीरेशन, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, एंड विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, ये ग्राफ हमने देखा था वहां पे, तो कुछ स्पीड तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन जब हाई स्पीड होगा तो ये घट जाएगा विंड वेलोसिटी. और लो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी इसके लिए भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं एसेंट ऑफ सैप को. तो सोयल वाटर डेफिसिट ये है डिक्रीज करता है एसेंट ऑफ सैप इनडायरेक्टली बाय इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द सोयल एज वेल एज द सोयल सैलिनिटी और एसिडिटी अफेक्ट्स एसेंट ऑफ सैप. सलाइन वाटर इनहिबिट्स एसेंट ऑफ सैप, तो सलाइन वाटर ये है एसेंट ऑफ सैप को रोक देता है. बाकी जो है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल कितना है सोयल में, सोयल की सैलिनिटी एसिडिटी ये सब अफेक्ट करते हैं किसको, एसेंट ऑफ सैप को. बाकी जो टेम्परेचर है ये कैसे अफेक्ट करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर अफेक्ट होगा ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा. जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि जैसे फैक्टर्स ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते थे वैसे ही अफेक्ट करेंगे एसेंट ऑफ सैप को. तो ये टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, दैट्स नेचुरली इंक्रीज द रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप. सिमिलरली एटमोसफियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विंड वेलोसिटी अप टू certain velocity it is directly proportional and up to high wind velocity it is inversely proportional. So low atmospheric humidity influence also the ascent of sap inversely. तो ये हैं factors. Light की बात करें तो ये indirectly affect करता है ascent of sap को, और transpiration को भी light affect करता था. तो जो light है ये induce करता है change in temperature जो कि direct effect होता है किस पे, ascent of sap पे. ये light जो है control करता है opening और closing of एस्टोमेटा. तो एस्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जब इफेक्ट होगा तो ट्रांसपीरेशन रेट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन में जो एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है ये अकाउंट करता था कितना, 90 to 95%. तो ये बेसिकली इफेक्ट करेगा ही, तो लाइट भी जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है एसेंट ऑफ सैप को. ठीक है, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ट्रांसपीरेशन एंड एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड है. ये हमने ट्रांसपीरेशन में भी पढ़ा था कि उनके लिए इन्वर्सली रिलेटेड थे. ठीक है, तो ये क्या करते हैं लोअर करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को. ड्राई वेदर में बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी बहुत ही लेस होती है जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है ये हाई हो जाता है और नेचुरली एसेंट ऑफ सैप विल बी वेरी फास्ट. बट ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो ये है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करता है विंड वेलोसिटी ट्रांसपीरेशन और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है एसेंट ऑफ सैप को. इसके साथ ही लीफ साइज हो गया, लीफ एरिया हो गया, नंबर ऑफ एस्टोमेटा पर लीफ है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपीरेशन एज वेल एज एसेंट ऑफ सैप. एंड द रूट सिस्टम इट्स टाइप नेचर एंड रूट स्ट्रक्चर ऑल्सो अफेक्ट द एसेंट ऑफ सैप. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ascent of sap. Atmospheric humidity is very important factor, wind velocity, leaf size, leaf area, number of stomata per leaf also have a direct effect on transpiration as well as ascent of sap. Root system, its type, nature and root structure also affect ascent of sap. So these all are the factors that is soil water, high temperature, atmospheric pressure, wind velocity and low atmospheric pressure influence the ascent of sap.
सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। तो ये था आज का जो भी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया प्लांट वाटर रिलेशन में, जो भी इम्पोर्टेंट था सबको हमने डिस्कस किया, एकदम डीप में डिस्कस किया, और जो भी रेफरेंस थे बुक्स के उन सबको हमने लेकर यहाँ पे डिस्कस किया। एनसीईआरटी बाकी और भी जो ऑथर्स हैं जो कि सजेस्टेड रीडिंग दिए हुए हैं आपके सिलेबस में उनको भी हमने कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।